नमस्कार, मैं प्रीति पूजा। कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ परवल की एक नए तरह की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दही परवल ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। अगर आप भी एक ही तरह के परवल की सब्जी खाकर बोर हो गए हों तो एक बार इस तरह से परवल की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम परवल ले लिया है। सारे परवलों को मैंने तैयार कर लिया है, एक मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, तो इसे भी तैयार कर लेते हैं। इसके दोनों किनारों को काट देंगे। अब चाकू की हेल्प से इसे खुरच लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा छिलका नहीं निकालना है, बस खुरच ही लेंगे। इसे खुरचने के बाद मैंने इन्हें धो लिया है, अब काट लेते हैं। इन्हें इस तरह से काटना है कि ये बीच से जुड़ा हुआ हो। इस तरह से काटने से इसके अंदर तक मसाले अच्छी तरह से चले जाएंगे। एक दूसरा वाला भी काट कर बताती हूँ। इसे मैंने बीच से दोनों तरफ से चीरा लगा दिया है, पर ये आपस में जुड़े हुए ही हैं। इस तरह से इनके अंदर आसानी से मसाले चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मेरे सारे परवलों को काट कर तैयार कर लिया है। अब इन्हें मैरिनेट कर लेते हैं। इनमें आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। परवल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस तरह से मैरिनेट करने से परवल के अंदर तक नमक चला जाता है, जिस वजह से सब्जी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अब इन्हें 10-15 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे। तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट लिया है, 1 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 6-7 लहसुन की कलियाँ भी ले ली हैं। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। इन सारी चीज़ों को मिक्सी की जार में डालकर पीस कर पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब 10 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें 4-5 टीस्पून ऑयल डाल देते हैं। और अब ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर लेंगे। परवल डाल देते हैं। और अब डालने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर ही इसे बीच बीच में उलट पलट करते हुए भून लेंगे। और अब इन्हें मैंने 6-7 मिनट तक उलट पलट करते हुए भून लिया है। परवल के ऊपर लाइट ब्राउन स्पॉट्स भी आ चुके हैं, ये भून चुके हैं। इन्हें हमें इसी स्टेज तक भूनना है, तो इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। साइड में ले जाकर एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इन्हें मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारे परवल भूनकर तैयार हो चुके हैं। अभी इन्हें साइड में रख देंगे और इसी बचे हुए ऑयल में सब्जी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा, 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इन्हें ऑयल में डाल देते हैं। 1 पिंच हींग भी डाल देंगे, भून लेंगे। अब जो मसाले हमने पीस कर तैयार किए थे उन्हें भी डाल देते हैं। फ्लेम को लो रखेंगे, भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे हम अच्छी तरह से भूनकर तेल छोड़ने तक भून लेंगे। और अब प्याज वाला हमारा ये पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है, इससे ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तो इस स्टेज पर इसमें हम कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, मैरिनेट करते वक्त भी हमने हल्दी पाउडर ऐड किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कम ही किया है। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से सब्जी का कलर बढ़िया लाल निकल कर आता है। और अब सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो इस स्टेज पर मैंने इसमें 1/4 कप दही भी डाल दिया है। मसालों के साथ मिक्स करते हुए इसे लगातार चलाते रहेंगे। और अब कुछ देर तक भुनने के बाद सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं।
इनसे ऑयल सेपरेट होने लग गया है, तो इस स्टेज पर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, मिक्स करते हुए चला देंगे। यहाँ पर मुझे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, तो आधा कप और पानी इसमें मैंने डाल दिया है। मिक्स करते हुए चला लेंगे। फ्लेम को हाई करके एक उबाल आने देते हैं। इसी स्टेज पर इसमें मैंने स्वादानुसार नमक भी डालकर एक बार अच्छी तरह से चला दिया है। और अब थोड़ी देर के बाद ग्रेवी में उबाल आने लग गया है। फ्लेम को लो कर लेंगे। इस स्टेज पर इसमें हम परवल ऐड कर देंगे। एक बार चला देते हैं। अब ढककर इसे हम लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकने देते हैं, ताकि सारे मसालों का टेस्ट परवल में अच्छी तरह से आ जाए और परवल अच्छी तरह से पक भी जाए। और अब 7 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर एक बार चला देते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डालकर एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। ढककर इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि सब्जी में गरम मसाले का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। और अब 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर एक बार चला देते हैं। हमारी सब्जी तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट एकदम रिच ग्रेवी वाली हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून देशी घी डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इतनी सब्जी आप घर के 3 से 4 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी, नान या राइस के साथ सर्व करें। आप भी इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।